बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर घायल के पास कट्टा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कार की टक्कर से हुआ था घायल। आपको बता दें कि कोतवाली लहरपुर की लालपुर गोपरिया का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर घायल के पास कट्टा मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कार की टक्कर से हुआ था घायल। कोतवाली लहरपुर की लालपुर गोपरिया का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहा है, जहां पर घायल के पास कट्टा मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डॉक्टरों की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। कार की टक्कर से युवक घायल हुआ था और उसके पास कट्टा मिला, जिसके बाद डॉक्टरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहा है, जहां पर घायल के पास कट्टा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें कि कार की टक्कर से युवक घायल हो गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों को उसके पास से कट्टा बरामद हुआ, उसके बाद डॉक्टरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली हमसे जुड़ रहे हैं। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। ये आपको बताना चाहूंगा, ये रात में बाइक सवार और कार की टक्कर हुई है। जब वहां पर लोगों ने जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, तो इसके पास से कट्टा बरामद हुआ है। तो जब हो गई, जब इनके पास कट्टा निकला, लोग हैरत में पड़ गए कि ये व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति था, कि बदमाश तो नहीं है, जिसके पास से कट्टा बरामद हुआ है, जो देसी ऐसा कट्टा दिख रहा है। इसके बाद पुलिस को सूचना, डॉक्टरों के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस की छानबीन कर रही है कि आखिर इसके पास ये देसी असलाह कहाँ से है और कहाँ से कहाँ जा रहा था। जी अबरार, पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? अभी तक उसकी जो हालत है वो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद ठीक होने के बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी, ये बताया जा रहा है। जी अबरार, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां पर घायल के पास कट्टा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कार और बाइक में टक्कर हुई थी, जिसमें युवक घायल हो गया था। घायल के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके पास कट्टा मिलने से डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता दें, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन